जैसलपुर थाना अंतर्गत बोरियापुरा स्थित गरीब नवाज मस्जिद के पास से लोहे की पिस्तौल के साथ आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। आरोपी रिकॉर्ड पार का गुनहगार होने की जानकारी भी तहसील थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर द्वारा दी गयी। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि बोरियापुरा स्थित गरीब नवाज मस्जिद के पास छोटा इब्राहिम पिस्तौल के साथ देखा गया है। पुलिस ने इसी जानकारी के आधार पर परिसर में छानबीन की तो पुलिस को देखकर व्यक्ति भाग रहा था, जिसका पीछा कर पुलिस ने जांच की तो व्यक्ति की जेब से लोहे से बनी देसी बनावट की पिस्तौल मैगजीन मिली। माननीय पुलिस आयुक्त डॉक्टर अमित कुमार सर के जो हमको स्पष्ट निर्देश है कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है और जिन्होंने पिछले 20 साल में मर्डर किया, ऐसे लोगों को बार बार चेक करो, उनको पेट्रोलिंग में पूछताछ करो, पुलिस स्टेशन में ला के उनको पूछताछ जारी रखो। ये माननीय पुलिस आयुक्त के सूचना के मुताबिक हमारी पेट्रोलिंग चल रही थी तो हमारे पेट्रोलिंग के पथक हेड कांस्टेबल समीर शेख और हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंडे, ये जब गरीब नवाज मस्जिद बोरियापुरा में पेट्रोलिंग कर रहे थे तो पुलिस स्टेशन और सर का कुख्यात आरोपी इब्राहिम खान उर्फ छोटा इब्राहिम वल्दन नबी खान उम्र 22 साल, ये उनको देख के भग रहा था तो हमारे पथक को डाउट आया, जबकि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उनको छलांग लेके पकड़े तो उनके पास से कमर में एक कंट्री पिस्तौल मिली जिसकी कीमत 30,000 रुपये है और उसके मैगजीन में लाइव कारतूस था। तो एक बहुत बड़ी घटना हमारे लोगों ने प्रिवेंट की, उसको पुलिस स्टेशन में लाए, उनके ऊपर आर्मी एक्ट कलम 3 कलम 5 25 के मुताबिक गुनाह दर्ज किया है। इब्राहिम खान उर्फ छोटा इब्राहिम, इसके ऊपर तहसील थाने में 20 आपराधिक गुने दर्ज है, जिसमें हत्या का प्रयत्न, चोरी, जबरी चोरी, खंडनी, ऐसे शातिर गुनहगार है। और जो हमारे पथक ने उनको हिरासत में ले पिस्तौल सहित, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा क्राइम प्रिवेंट किए है। अभी आज रोज उनको अटक किए है, आज रोज उनको विद्यमान कोर्ट में पुटअप किया जाएगा, उसका पीसीआर प्राप्त करके ये पिस्तौल और राउंड ये किसके लिए लाए थे और कहाँ से लाए थे और उसका उद्देश्य क्या था, इसका जांच किया जाएगा। पुलिस ने छोटा इब्राहिम को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी पर इससे पहले भी गंभीर रूप से गुनाह दर्ज है। ऐसी जानकारी पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर द्वारा दी गई, साथ ही बताया कि आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।